ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ऐसा मोहिनी मंत्र दूंगा जो कि पलक झपकते ही आपके पति को आपके वश में कर देगा। इससे सिर्फ पति नहीं, आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। ये महिलाओं को भी आकर्षित करेगा, पुरुषों को भी, जिस पर भी ये लगा दिया जाए उस पर ये सटीक काम करेगा। मैंने लाखों बार ये मंत्र दिया है और जिस जिसको मैंने ये मंत्र दिया है उसके लिए इसने सटीक काम किया है। लगभग 15 साल पहले मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया था और जब जब जहाँ जहाँ इस मंत्र का प्रयोग किया गया वहाँ वहाँ सफलता मिली है। इतना पावरफुल और इतना बेहतरीन मंत्र बहुत कम है मेरी डायरी में। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है ये, इसको सोच समझ कर प्रयोग में लाइएगा। एक बार कर दिया तो समझिए उम्र भर के लिए ये लगा रहेगा। लगभग 15 साल पहले मैंने किसी कॉलेज स्टूडेंट को ये दिया था तो उसने क्या किया कि पहले ही दिन इसकी चैंटिंग शुरू की और इसको लगा दिया तो उसको एक घंटे के भीतर भीतर इसका असर दिख गया। उसने मुझे कॉल किया, सारा कुछ बताया तो मैं भी अचंभित रह गया ये सब सुनकर कि इतनी जल्दी मैंने कभी असर होते हुए नहीं देखा। एकदम से किया और लग जाए ये तो भगवत कृपा ही हो सकती है। तो इसमें समय लग सकता है तो चिंता ना कीजिएगा, आपका काम जल्दी बन सकता है, लेट भी हो सकता है, लेकिन अगर मन में सच्चा प्यार है और वो दृढ़ संकल्प है तो ये अवश्य आपके लिए काम करेगा। मोहिनी उन विद्याओं में से आती है जो कि विरले ही किसी के पास होंगी। अगर जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक उसी प्रकार आप ये कर देते हैं तो समझिए आपका काम 100% बनेगा। बस आप जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा कीजिए और उसके बाद जिसको भी आप चाहें अपने वशीभूत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो यंत्र है इस यंत्र को अनार की कलम से बनाना है। अनार की कलम से बनाइए और पीछे अपने साथी का नाम लिख दीजिए जिसको भी आप आकर्षित करना चाहते हैं। जब इस यंत्र का निर्माण करें तो आपका जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, जहाँ से सूरज निकलता है उसकी तरफ अपना मुंह करके बैठें और इसका निर्माण करें। जब निर्माण करें तो आपके आसपास कोई ना हो, एक ऐसा कमरा, एक हवादार कमरा ले लीजिए जहाँ पर कि कोई ना आता जाता हो, उस कमरे में बैठकर अपनी साधनाएं कीजिएगा। ये यंत्र जो हैं आपको 11 यंत्र बनाने हैं। 11 यंत्र बनाकर 11 दिन आपको या तो पानी में प्रवाहित कर दीजिए या फिर किसी पेड़ के नीचे लगा दीजिए, गड्ढा खोदिए थोड़ा सा और उसमें आप इसको गाड़ दीजिए तो ये जो है अपना काम सटीक रूप से करना शुरू कर देंगे। आपको बस करना इतना है कि जब तक ये साधना चले 11 दिनों की उसमें किसी भी प्रकार का मांस मदिरा या का सेवन नहीं करना है और कोई भी बीड़ी गुटखा कोई भी ऐसा व्यसन ना हो जिसमें कि आप पड़े हों। अगर ऐसा कुछ है कि आप ना रह पाते हो तो इस प्रयोग को मत कीजिएगा क्योंकि इसमें ये सारे परहेज हैं, ये करने पड़ते हैं। अगर परहेज नहीं कर सकते तो मत कीजिएगा। दारू पीने वाले तो इसको छुए बिना, क्योंकि अगर आप करते हो तो ये आप पर उल्टा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जिसमें कि कुछ ऐसी एंटिटीज़ आ जाती हैं दूसरी दुनिया से जो कि संभाली नहीं संभलती, फिर इनको संभालना भी एक आफत ही होती है। तो जो भी इस तरह के कृत्य करते हैं वो ना करें। ये साधनाएं बहुत ही पवित्र हैं, इनको वही करें जो संभाल सकते हैं और साधना जिनको करनी आती है वही करें क्योंकि बहुत डेंजरस होती हैं जिसको नहीं पता होता। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो दुरुपयोग भी करते हैं, इसलिए भी जो है ये सब कुछ उल्टा हो जाता है। तो एक बार किसी योगी गुरु से परामर्श लें और उसके बाद शुरू करें। तो आपके यंत्र बनाने की जो कलम होगी वो होगी अनार के पेड़ की। अनार का पेड़ आसपास ढूंढिएगा, उसकी कलम बनाइए क्योंकि आकर्षण कर्म में, मोहिनी कर्म में अनार का पेड़ ही प्रयोग में लाया जाता है। इसकी जो शाही होगी वो तो आप गुड़हल के फूल जो होते हैं उनको पीस कर लाल रंग बना लीजिए। उस लाल रंग से भोजपत्र के ऊपर आपको ये यंत्र बनाना है। यंत्र बनाकर आपको गाड़ देना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे या फिर कोई भी आपके आसपास पेड़ हो वहाँ पर गाड़ दीजिएगा।
अगर नदी आसपास ना हो तो। अब सावधानियां ये रखनी है कि 11 दिनों तक आपको ये कृत्य करना है। 11 दिनों तक 11 यंत्र बनेंगे, इनको बना बना के रोज़ आप रोज़ के रोज़ गाड़ते रहिए, और पीछे अपना और अपने साथी का नाम लिखना ना भूलिएगा। ऐसा करते हुए आपको एक दिन गया, दो दिन गया, तीन दिन गया, और चौथे दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा, या फिर पहले ही दिन से आपको दिखना शुरू हो सकता है। तो इस तरह से इस कृत्य को कीजिएगा तो ये आपको भली भांति फल देगी। और जब आपका साथी आपके पास आ जाए तो उस जगह से सारे यंत्रों को निकाल कर, या फिर अगर यंत्र ना बचें तो उनकी मिट्टी वहाँ से लेकर पानी में बहा दीजिएगा, तो आपका जो ये मोहिनी का प्रयोग है ये सफल हो जाएगा। जन्म जन्मांतर तक ये प्रयोग लगा रहेगा, कोई इसको हटा नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा तांत्रिक हो। एक बार ये लग गया, समझिए ये पत्थर पर लकीर हो गई, बड़े से बड़ा तांत्रिक भी इसको हटा नहीं पाएगा। और किसी भी तरह की दिक्कत आए, कोई परेशानी आए, तो आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर। धन्यवाद।